हेलो, मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पंजीरी, और पंजीरी पांच चीज़ों से बनती है। तो आइए, इसलिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे धनिया, साबुत धनिया लिया हुआ है, इसे भूनेंगे हम बाद में। ये खारिक है, चार से पांच खारिक ली है हमने। सूंड पाउडर है और चिरौंजी है, इसे मराठी में चारोड़ी भी बोलते हैं। तो हम ये हमने ढाई चम्मच तीन चम्मच ली है, और शक्कर ली है दो चम्मच। ये हमारे पांच इंग्रेडिएंट्स है। धनिया को हम भून लेते हैं। धनिया नहीं है तो आप धनिया पाउडर भी ले सकते हो, लेकिन इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है, खाने में बहुत अच्छा लगता है प्रसाद। अभी हमारा धनिया हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम धनिया को निकाल लेते हैं मिक्सी में से। इस तरह अभी हम खजूर इसमें डालेंगे, खारिक यानी कि, इसे भी पीस लेते हैं। चिरौंजी यानी कि चारोड़ी, दो ढाई चम्मच हम इसमें शक्कर डालेंगे। अब इसमें सूंड पाउडर डालेंगे। सूंड पाउडर मैंने दो चम्मच ली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी पंजीरी बनके तैयार हो गई है हमारी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार और घुमा लेते हैं इसे। बस हमारी पंजीरी रेडी है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी पंजीरी बनके तैयार हो गई है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।